Hey there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back to my channel. In our gardening section, we have got petunias care for you. If you haven't subscribed my channel, please subscribe and don't forget to hit the bell icon. Friends, follow me on Facebook and Instagram also. दोस्तों, अगर आप अपने पिटूनियास पे ढेरों फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इनकी प्रूनिंग करनी होगी। इनकी जो हार्ड प्रूनिंग है वह अर्ली विंटर में की जाती है। अर्ली विंटर में जब हम इनको हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ये बुशी हो जाते हैं, इनके अंदर रेमिफिकेशन होता है और जब रेमिफिकेशन होता है तो बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों, जब आपको अपने प्लांट्स पे इस तरीके से बर्ड्स नज़र आने लगें तो आप इनके ऊपर बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आप इसके ऊपर बैलेंस्ड एनपीके 19:19:19 रेशियो का दे सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, जहां तक वाटरिंग का सवाल है, पिटूनियाज ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करते हैं, तो आपको वाटरिंग कब करनी है? वीक में एक बार करें या मिट्टी के सूखने के बाद में आप इन्हें वाटर करें। पिटूनिया लवर्स को एक प्रॉब्लम रहती है, एक शिकायत रहती है कि उनके पिटूनियाज लैगी हो रहे हैं। अगर इस तरीके से उनके पिटूनियाज ऊपर से नीचे की तरफ डाउनफॉल में जा रहे हैं तो आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाएं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। हैंगिंग बास्केट में अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप इनकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहें। आप फ्लावर्स के मोह में अगर इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो ये इस तरीके से हैंग करेगा। जब हम इस तरीके से ऊपर से इसे प्रून करते हैं तो नीचे से बैक बडिंग होती है और बैक बडिंग से हमें नई नई ब्रांचेस मिलती है और जब नई नई ब्रांचेस आएगी तो मोर फ्लावरिंग होगी। पिटूनियाज ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करते हैं तो इनके सॉइल कंपोजिशन में आप वर्मी कंपोस्ट, सैंड और टॉप गार्डन सॉइल का एक पार्ट लें। तो इसका प्रोपेगेशन सीड से आसानी से होता है लेकिन उसके अंदर काफ़ी वक्त लगता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नर्सरी से इसे परचेस करें। 15 से 20 रुपए के अंदर ये नर्सरी पे आसानी से अवेलेबल है और अलग अलग कलर्स में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos on bonsai and gardening. Till then, goodbye.